तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे यामा FZ25 वेरिएंट के बारे में। तो दोस्तों अगर आप लोग इस बाइक को ख़रीदना है अभी के समय पर तो क्या होगा इस बाइक का एक शोरूम प्राइस, और अगर आपने इस बाइक को ख़रीदना है पूरा फुल टोटल ऑन रोड प्राइस में बताऊंगा इस वीडियो में। तो इसमें आपको ऑडियो चार्जेस प्लस इंश्योरेंस की चार्जेस और अदर कंपोनेंट्स की चार्जेस लगाने का बाद क्या होगा इस बाइक का ऑन रोड प्राइस, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर आपने इस बाइक को फाइनेंस करना है तो फाइनेंस के डिटेल भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करके बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यामा FZ25 की जो इंजन कैपेसिटी होगा 249 सीसी इंजन इस बाइक में देखने को मिलता है। माइलेज होगा 37 किलोमीटर पर लीटर और ट्रांसमिशन होगा 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इस बाइक में देखने को मिलता है। कार्ब वेट होगा 153 किलोग्राम्स। तो दोस्तों इस बाइक का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी होगा 14 लीटर और सीट हाइट की तो बात करें तो यह बाइक है 795 मिलीमीटर सीट हाइट है। तो फ्रेंड्स इस बाइक की जो एक शोरूम प्राइस है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस बाइक का जो मैंने लोकेशन लिया है पुणे आनंद नगर। तो फ्रेंड्स इस बाइक का जो एक शोरूम प्राइस होगा इसके बारे में बात करते हैं। इस बाइक का एक शोरूम प्राइस होगा 135,539 रुपीज़। आरटीओ चार्जेस होगा 15,807 रुपीज़। इंश्योरेंस की चार्ज होगा 10,577 रुपीज़। एडिशनल कंपोनेंट चार्जेस होगा 1,977 रुपीज़। टोटल ऑन रोड प्राइस होगा 163,900 रुपीज़। तो फ्रेंड्स अगर आपने इस बाइक को फाइनेंस में निकालना है तो डाउन पेमेंट देना होगा 50,000। लोन अमाउंट बनता है 113,900 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने लगाया है 10.75% और टाइम लिया है 18 मंथ्स और ईएमआई आपको पे करना होगा 6,879 रुपीज़ पर मंथ आपको पे करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने इस बाइक को पुणे आनंद नगर से लेना है तो यही प्राइस आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग कोई अदर सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट कर सकता है, मैं आपकी कमेंट के आंसर देने का पूरा कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स स्क्रीन में आप लोग को दो वीडियो दिखाई दे रहा है, आप लोग क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो।